हाँ भाई बोलिए, बताइए, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। हाँ भाई बोलिए, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ हमको सर आवाज आ रही है अभी? भाई आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए, बोलिए। हाँ जी सर, एक्चुअली मैंने रैपिड फंड से लिया था लोन, 3,000 का अपना सेंशन आया था, तो उसमें जो डिडक्ट होके कुछ 1,800 रुपये बैंक में क्रेडिट हुए थे। 7 डेज के लिए वो टाइम मिलता है ना, 7 डेज के लिए मिला था मेरे को टाइम, तो बिल्कुल। 7 डेज से पहले पहले उसका मेरे को 15 तारीख को, अभी फिलहाल मतलब अभी रिसेंट में चेता मैंने 15 तारीख को पहले मैसेज आया कि अभी लोन मतलब ऑफर चल रहा है, आप पे कर दो तो आपका फाइल क्लोज कर दूंगा, 1,200 रुपये 2 बार पे कर दूँ मैं आपका फाइल क्लोज कर दूंगा। तो मैं ऐप में जाके पेमेंट किया 2 बार करके, 1,200 रुपये 2 बार किया पेमेंट। इसके बाद पेमेंट करने के बाद उन लोग ने मेरा फाइल क्लोज नहीं किया, मैं मैसेज कर रहा हूँ मैसेज के रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अभी सेकेंड टाइम वापस मेरे को कुछ 3-4 दिन बाद वापस मेरे को मिल जाने लगा, 20 तारीख के आसपास। उस टाइम पे भी सर ऐसे मैसेज किए कि 1,200 रुपये पे कर दो तो आपका फाइल क्लोज जाएगा। फिर मैंने वापस ऐप में जाकर वापस किया, पेमेंट फिर भी नहीं क्लोज हुआ, तो अभी आज वापस मैसेज कर रहे हैं। तो सर अभी क्या तो देखिए, आपको देखिए, आपको हम बता देना चाहता हूँ कि ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, ठीक है? फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट नहीं करना होता है। यदि कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट करते हैं तो वो आपसे ऐसा ही पैसा मांगते रहेगा, ठीक है? वो कभी नहीं ये कहेगा कि पैसा आप ये मत कीजिए। वो बार बार आपको ब्लैकमेल करेगा, बार बार आपको हरासमेंट कर 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 पैसा वो मांगता रहेगा। आप बार बार पैसा देते रहेगा और ऐसा ही इनके ट्रैप में आप फंसते रहिएगा। हाँ, तो वही चीज़ है कि मतलब कि हम लोग डाटा रिमूव का काम कराते हैं, समझ गया ना? हाँ, तो डाटा रिमूव होने के बाद कोई कॉल मैसेज आता नहीं है, कॉन्टेक्ट लिस्ट मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होती है, नहीं यहाँ पर कोई कॉल मैसेज आता है, समझ गए? हाँ, तो डाटा रिमूव करने के लिए आप मेरे पास डिटेल डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, आप पर मैसेज कर दिए हैं। और डाटा रिमूव का चार्ज आपको तो पता ही है भाई, अब मेरा कोई भी कंप्लीट वीडियो देखे होंगे तो डाटा रिमूवल का चार्ज आपको पता होगा। नहीं सर, अभी मैं आपका जस्ट अभी आपका ही वीडियो देखा, उसमें सर आप बताए नहीं, तो आप बता दीजिए। तो देखिए, डाटा रिमूव का चार्ज पूरा कंप्लीट देखे होंगे वीडियो, चाहे नहीं देखे होंगे तो बता देना चाहता हूँ, डाटा रिमूव का चार्ज है 2,450 रुपये भाई। तो हम लोग पूरी तरीके से ये चीज़ हो जाता है, कोई दिक्कत यहाँ पर होती नहीं है, ठीक है ना? तो क्या क्या डिटेल लगेगा आप पर, हम मैसेज टाइप कर दिए हैं, वो डिटेल आप भेज दीजिए और आपका काम हो जाएगा। बाकी आप कितना भी रिपेमेंट कीजिएगा और यही बोलेगा कि पैसा नहीं आया है, दोबारा पैसा दे दो, समझ गए ना? इन केस ये भी होती है कि रिपेमेंट करने के बाद दोबारा अकाउंट में पैसा डालकर डबल मांगते हैं लोग, समझ गए हैं? नहीं तो डायरेक्ट बोल देगा कि पैसा नहीं आया है, दोबारा पैसा दो, नहीं तो हम आपका एडिट करके फ़ोटो भेज देंगे कॉन्टेक्ट लिस्ट पर। फोटो हाँ भाई, वो भेजते भी हैं, समझ गया ना? मोबाइल का डाटा वो लोग हैक कर लेते हैं, और देखिए जब तक वो हैक नहीं करेगा ना तब तक आपको धमकी देगा नहीं, समझ गया ना? हाँ, वो लोग हैक करता है तभी धमकी देता है, समझ गए लोगों को? वो धमकी, देखिए धमकी ब्लैकमेल कर रहा है तो समझिए कि वो हैक कर लिया है, तभी आपको हाँ, पूरा डाटा वो लोग सर्वर में डाटा सेव करके रखते हैं, समझ गया ना? मोबाइल का जो भी डाटा है, गैलरी से लेकर कॉन्टेक्ट लिस्ट, मैसेज, कॉल लॉग, किससे बात कर रहे हैं, कितने घंटे बात कर रहे हैं, सब चीज़ उनके पास चला जाता है, तो वो लोग सर्वर में डाटा सेव करके रखता है, समझ गए? तो वही चीज़ है कि हम लोग सर्वर से रिमूव करवाने का काम करते हैं, समझ गए? वो चीज़ होने के बाद कोई तकलीफ़, कोई दिक्कत होती नहीं है। मेरा कोई भी वीडियो देखे होंगे कंप्लीट, तो वीडियो में हम डायरेक्ट बोलते हैं, समझ गए हैं, फेस के साथ। तो यदि आप करवाना चाहते हैं तो जो जो डिटेल आपसे मांगे वो डिटेल मेरे पर भेज दीजिए, हम आपका करवा देंगे, ठीक है? कितने 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटे में रिमूव हो जाएगा, 1 घंटा 10-15 मिनट लगेगा आपका, हो जाएगा काम। ठीक है ना? टाइम लगेगा ठीक है, सर? ओके। ओके ओके ठीक है सर, आपको
ओके ओके ठीक। तो सर अभी उनका जो उन लोग का जो मैसेज आ रहा है सर, उन लोग कुछ देख रहा हूँ ना। उसको, हाँ उसको इग्नोर कीजिए। देखिए एक वो लोग वेबसाइट कॉलिंग करता है, समझ गए। अच्छा, एक बार मान लीजिए नंबर यूज कर लिया, दोबारा नंबर नहीं यूज करता, वो लोग जेनरेटेड नंबर होता है। आप मान लीजिए कि कंप्लेन साइबर में कीजिएगा, चाहे कहीं भी कंप्लेन कर रहे हैं, तो इसीलिए पकड़ में नहीं आता है क्योंकि वेबसाइट कॉलिंग होती है। कोई उनका ट्रैक, कोई लोकेशन होता नहीं है कि जाकर अब उनको पकड़वा दीजिएगा, समझ गए। चाहे उनके खिलाफ़ में आप कंप्लेन लॉन्च कर दीजिएगा, जाएगी पुलिस पकड़ लेगी, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा वो लोग यूज करता है इसीलिए। साइबर में जाइएगा तो साइबर वाले बोलेंगे कॉल मैसेज इग्नोर करने के लिए, यही चीज़ बोलते हैं। तो डिटेल वो भेज दीजिए, वो आपका हो जाएगा काम, ठीक है। डरने वाली, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और सर मतलब मैंने थोड़ा और लोन भी लिया था, मैंने वहां से नहीं लिया था, मतलब आपसे एक लैंडिंग प्लेट करके ऐप है, लैंडिंग कौन सा प्लेट, लैंडिंग प्लेट लैंडिंग प्लेट, वो कहाँ पर है? प्ले स्टोर पर? प्ले स्टोर पे भी है, ऐप स्टोर पे भी है, दोनों दोनों पे भी है। सिविल में शो कर रहा है? सिविल रिपोर्ट में शो कर रहा है? नहीं सर, इसका एक्चुअली पेमेंट तो मैंने लिया था आज से 2 महीने पहले, थोड़ा उसका ड्यू डेट हो गया है, तो 45,000 का था, थोड़ा उसका ड्यू डेट से मतलब नहीं पेमेंट हुआ नहीं उसका मेरा, तो वो लोग भी सर ऐसे मतलब रिकवरी एजेंट भेजते हैं, मतलब अभी तक तो मैंने एक बार घर पे विजिट किया उसका रिकवरी एजेंट, लेकिन उसके बाद से मैंने मतलब थोड़ा रोका हूँ मैं लोग को, कर दूंगा तो वो है, वो आपका है NBFC एप्लीकेशन, ठीक है। वो है एन हाँ वो NBFC एप्लीकेशन है। यदि उसका आप नहीं रिपेमेंट करते हैं तो वो लोग सिविल रिपोर्ट डाउन करेगा, समझ गए। हाँ वो लोग सिविल रिपोर्ट डाउन करेगा, सिविल पर असर दिखाएगा। तो सिविल रिपोर्ट मान लीजिए आपका डाउन हो गया तो दोबारा लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिविल पर शो होता रहेगा, समझ गए। तो वो चीज़ है उसका। तो डिटेल मेरे पास भेज दीजिए, हम आपको ये चीज़ कर देते हैं, ठीक है ना। डिटेल भेज दीजिए मेरे पास, ठीक है। ओके ठीक, चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देखिए, कोई उपाय बता कौन सा। वीडियो कंप्लीट देखिए, चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं, पूरा देखिए कंप्लीट हो गया। आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, पूरा कंप्लीट देखिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कॉल लगाते हैं, पूरा आप लोग कंप्लीट देखिए वीडियो। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा। यदि आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो कुछ आपको ये चीज़ नहीं हो पाए। हाँ भाई बोलिए, बताइए, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, हाँ भाई बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी, बताइए। हाँ भैया, ये मैं कह रहा हूँ, ये पोको मनी जो है अपना, वो कर रहे हैं सर तो भैया, देखिए तो कोको मनी फ्रॉड एप्लीकेशन है, ठीक है। जी भैया हाँ तो रिपेमेंट इसका किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं रिपेमेंट में नहीं किया हूँ, आज का डेट दिखा रहा था पर मतलब मिला बिल्कुल। नहीं हुआ। तो देखिए आपको बता देना चाहता हूँ, रिपेमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि रिपेमेंट कर दीजिएगा आपके अकाउंट में दोबारा पैसा डाल देगा और आपको हरासमेंट ब्लैकमेल करेगा, ठीक है। हाँ मतलब वो धमकियाँ दे रहा है कि मैं हाँ वो आपको धमकी आपको इस पर देगा। कॉल कर रहा हूँ। तो ये भी होता है कि यदि रिपेमेंट करते हैं ना तो वो बोलेगा कि पैसा आया भी नहीं है, तो और कहेगा कि दोबारा पैसा दो, समझ गए ना। जी भैया जी भैया, हाँ तो वो चीज़ है कि हम लोग मतलब कि डाटा रिमूव हम लोग कराते हैं, ठीक है। हाँ तो हम लोग डाटा रिमूव, बोलिए भाई। तो मेरा जैसा रूम करवा सकते हैं आप? हाँ भाई आपका हो जाएगा। तो आप मेरे पास जो जो देखिए आप पर हम अभी मैसेज कर दिए, वो डिटेल मेरे पास भेज दिए, ठीक है। आपको पता है कि डाटा रिमूव का चार्ज लगता है, ठीक है। क्या चार्जेस होंगे भैया? डाटा रिमूव का चार्ज यदि पूरा कंप्लीट वीडियो देखे होंगे, हर एक वीडियो में हम मेंशन करते रहते हैं बोल बोल कर बार बार, 2,250 रुपया भाई, ठीक है। 2,250 रुपये, हाँ 2,450 डाटा रिमूवल चार्ज, 1 आवर में आपका डाटा रिमूव हो जाएगा भाई।
कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इनका आप रिपेमेंट देखिए, हम आज ही से फ्रॉड एप्लीकेशन पर वीडियो नहीं बना रहे हैं, बहुत पहले से हम वीडियो बना रहे हैं। तो क्या है ना कि फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट करने के बाद आदमी और फंसते जाता है। अब मान लीजिए कोई भी ब्लैकमेलर है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए ब्लैकमेल कर रहा है, वो काम करने में भी राजी हो गए, बोल रहा है कि 10,000 पैसा दो, नहीं तो तुम्हारा फोटो हम भेज फैमिली को दिखा देंगे। और डर है फैमिली का भाई, तो सोचे कि चलो भाई इसको 10,000 पैसा दे देते हैं, फोटो डिलीट कर देगा, फैमिली को नहीं दिखाएगा। क्या गारंटी है कि फैमिली को फोटो वो दोबारा नहीं दिखाएगा? तो पैसा दिए, उसका वो लालच बढ़ गया, सोचा कि भाई 10,000 पैसा दे सकता है तो ये हमको 20,000 भी पैसा दे सकता है, समझ गए? तो वैसा ही ब्लैकमेल कर कर लाखों रुपया लोगों से लूट लेता है सब, समझ गए? समझ गया भैया। बिल्कुल, अक्सर मेरा वीडियो कोई भी देखे होंगे तो ऐसे जन से हम बात करते हैं जो 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, चाहे कोई ज़मीन बिक गया है, चाहे कोई 70-80 हज़ार पैसा देकर बैठा है। तो वो डिटेल मेरे पास भेज दीजिए, हम आपका करवा देंगे, ठीक है, हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया अभी मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, तो मैं कहीं से पैसे का करता हूँ, फिर मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। बिल्कुल, मैसेज कीजिएगा, ठीक है भाई, ओके, ठीक। चलिए भाई, यहाँ पर पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए, अब चलिए कॉल लगाते हैं। आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा, ठीक है, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, पूरा देखिए कंप्लीट वीडियो। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दे। चलिए मैं करता हूँ कॉल, पूरा कंप्लीट देखिए वीडियो। चलिए, एक मिनट, पूरा कंप्लीट देखिए चैनल को। वीडियो कंप्लीट देखिए, ठीक है, के लिए वीडियो कंप्लीट, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आधा अधूरा सर, चलिए कॉल लगाते हैं। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, चैनल को आप लोग, या तो जल्दी आधा अधूरा वीडियो मत देखिए भाई, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो कंप्लीट देखिए, चैनल को सब्सक्राइब, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। पूरा देखिए कंप्लीट तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को। चलिए भाई, यहाँ पर आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, आधा अधूरा वीडियो देखिएगा कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, आधा अधूरा रहा है। रिपेमेंट आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है, हाँ भाई बोलिए, बताइए। हेलो, हाँ भाई बोलिए, बताइए। तो ये, हाँ हाँ बोलिए। फैमिली से बहुत ज्यादा डाउन है। मतलब ऐसा है कि उसकी भैया का 2018 में एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनके सीने की पसली और सर की जो हड्डी है भैया, तो वो मतलब उधर
टूट गई थी तो उधर हड्डी नहीं से जैसे अपन टच करते हैं उसके सर में तो डायरेक्ट सीधे ब्रेन में ही मतलब ऐसा हड्डी नहीं है तो हड्डी तो वहाँ पे और पैर की भी टूटी हुई थी। उस टाइम पे ऑपरेशन हुआ था जो ऑपरेशन हुआ था तो क्या तीनों ऑपरेशन नहीं किए थे साथ में और क्या इनके पास मतलब मनी का बैकअप नहीं था क्या और क्या बोलते मनी का बैकअप भी नहीं था और डॉक्टर ने बोला था कि तीनों का सर्जरी साथ में होगी तो जान जा सकती है मतलब अभी अचानक से तो अभी तक ऑपरेशन नहीं हो पाया भैया 2016 से अभी तक अचानक से क्योंकि अब मतलब सीने का और पैर का हो गया था बट सर का है तो वो तो टीडियस होता है भैया काफी इस कारण से सर्जरी नहीं हो पाई अचानक से इतनी तबीयत खराब हो गई और वहाँ पे क्या था कि बैकअप नहीं समझ आया तो इसने पता नहीं यूट्यूब में क्या देख लिया और एक गलती से स्कैम में फंस गए थे यार उसने मतलब ऐसा अप्लाई किया और बट आया 1 रुपये भी नहीं आया भैया अच्छा और 1 रुपये नहीं आया भैया कौन सा ये फ्रेश वॉलेट फ्लैश वॉलेट फ्लैश वॉलेट 1 रुपये नहीं आया भैया और उस टाइम पे क्या था कि मतलब दिमाग काम कर नहीं रहा था उसने ऐसा ध्यान नहीं दिया उसको लगा ऐसे ही होगा नहीं ऐसा तो अप्लाई हुआ आएगा भी नहीं और ये करीब 10-15 दिन हो गए अचानक परसों के फोन आया इसकी और मतलब लोन आया तो आप सभी को वापस करो लोन करके हाँ तो देर से बताया नहीं ये टेंशन में आ गई और बोली मैं अरे करती तो उन्होंने बोला कि पूरा नहीं है तो मेरे को 550 दे दो करके 550 कर दे तो उसने बोला ठीक है मैं शाम तक अरेंज करती हूँ तो जो लोन वाले जो कॉल कर रहे थे उन्होंने बोला नहीं अभी ही कर शाम तक नहीं अभी करना है भैया ये कर नहीं पाई और एक फिर बार बार जब कॉल कर रहे थे तो उसने बोला कि जा ये कर दीजिए जो करना है भेज दीजिए जिसको भेजना है नहीं हो पाई मेरे से फिर उन्होंने मतलब मेरे से मतलब शायद उनका कोई फंडा ऐसा है भैया कि जिससे ज्यादा बात होती है उसको ये सब भेजते हैं कि मतलब वो ये कन्विंस करे उसको कि लोन भरे करके तो उसने पापा के नंबर पे भेजा लेकिन पापा का फोन खराब था और फोन बंद है कंटिन्यू करीब 15 से 20 दिन हो गए उसके पापा को तो और इसकी एक जो पहले जॉब करती थी जहाँ मैनेजर को भेजा भैया और मुझे भेजा बंदों को मतलब डी फेक करके उसने फोटो भेजी और तो मैंने बोला कौन है तू ऐसा कोई ऐसा लोन भी मैंने आपको चैट भेज दिया भैया और फिर इन्होंने बोला करो नहीं तो ये सब कर दिए बिल्कुल सही बात है। आप जितना देखिए जितना पैसा दीजिएगा उतना पैसा मांगता रहेगा, बोलेगा कि पैसा नहीं आया है दोबारा रिपेमेंट करो दोबारा रिपेमेंट करो, ऐसे ही पैसा मांगता रहेगा, समझ गए। इसीलिए रिपेमेंट नहीं करना है भाई, कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन का हम यही बोलते हैं रिपेमेंट। रिपेमेंट तो नहीं ना किए ना पहले कोई भी अच्छा 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 नहीं तो पैसा रहता तो भाई रिपेमेंट कर देते कब का। सही बात है भाई, हम समझ रहे हैं बातों को, बात को हम समझ रहे हैं भाई, बात को हम समझ रहे हैं। हाँ समझ रहे हैं बिल्कुल भाई। कर सके कुछ पापा कंडीशन नहीं है तो पापा कुछ नहीं करते और ये मतलब भाई और पापा के अलावा मतलब पूरा घर काम करते हैं पूरा घर काम करते हैं। 1500 का लोन था भैया तो 1500 आया भी नहीं और ये बोल रहे 1500 कुछ रुपए भेज दो हमको नहीं तो हम ये करेंगे। तो फिर जब मैंने भैया से बोला तो
मेरे भैया ने बोला कि पैसे ऐसे मत भेजना, इनका खबर खत्म नहीं होगा, वो पैसे भेजे होती ऐसी करके। फिर मेरे को कॉल आया, मेरे को कॉल आया, बोला कि तू कौन है करके, ऐसा कौन है, कोमिन को बोल बोल देने सब, ये वो कर मन भर जाओ, कर दो जो करना है भाई, जो करना है कर दो। अगर तुम लोगों को लोन के अगर जो मन भर अगर जो ऐसा वो अर्निंग दे के करना होता, तुम मेरे को तो भेजते नहीं, इसके पापा को नहीं भेजते और इसके मैम को नहीं भेजते। और जो मैम थी मैनेजर जो पहले, तो उसने भी कॉल करके बोला कि मेरे साथ क्या है, तो बताया उसने सब कुछ, बोला कि पैसे ऐसे मत दे, फ्रॉड है पूरी तरह से, पैसे दोगे तो फंसते जाओगे, और ये अगर जो तुम्हारी बैंक किसी तरह कुछ करके ले लिए तो और दिक्कत होगी। तो मैंने भी यही समझाया, मेरे भैया ने मुझे ये बोला। फिर मैंने वीडियो देखा, एक प्रजापति भैया करके चैनल है, तो प्रजापति भैया का चैनल है, बात करती है ऐसा मामला, जैसे आपने अभी रिसेंट में फाइट लोन लिया था, लोन नहीं लिया था, कुछ संजय करके था कुछ भी भैया, मेरे को अच्छी तरह से नाम याद नहीं आ रहा उसका, उसके पापा को भी कॉल किया था, मैं ये वीडियो देखा, फिर उसके बाद मैंने आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो कई देखे, पर मैंने देखा कि आपने ये सब करते हो भैया, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भाई, हम आज ही से वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम 2022 से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जमीन बेच दिया है, रिपेमेंट करते करते जमीन बेच दिया है, कोई ज्वेलरी, कोई आईफोन, कोई 2 लाख 3 लाख, मतलब कैसे ही रिपेमेंट करते करते उनका अभी तक कोई रुका नहीं। जब तक देखिए, जब तक पैसा देना ना बंद कीजिएगा तब तक रुकेगा नहीं, ये तब तक सिलसिला चलता रहेगा। करेंगे उतना ही, मतलब जो वीडियो जितने भी देखा आपकी वीडियो में भैया देखा, तो आपने भी कई वीडियो में ऐसा बताया कि भेजेंगे दो से तीन लोग और चार लोग, ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 लोगों को भेजेंगे अभी कॉन्टेक्ट, जब जान जाते हैं कि फाइल बंद कर देना है, फाइल बंद करके फिर दूसरे के पीछे पड़ना है। आपने कई वीडियो में भैया बोला था कि मतलब रिपेमेंट करना ही नहीं है, करीब करीब 15 से 20 वीडियो देखे, बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरा प्लेलिस्ट कोई भी खोल लीजिएगा ना, प्लेलिस्ट फ्रॉड एप्लीकेशन का चैनल में जाकर, 3 चैनल है मेरा, ठीक है, तो जाकर कोई भी देख लीजिएगा, तो वीडियो का कमी नहीं है, 1000 सुपर वीडियो है भाई चैनल पर, बहुत सारे हैं और सब में एक ही बात कॉमन है भैया, सब आधा घंटा का 2 घंटा का वीडियो है, जितना भी लोगों से बता बात की है सब बड़ा बड़ा वीडियो है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको हाँ इस बिल्कुल बिल्कुल इसको हम हाईलाइटेड किए हैं कि रिपेमेंट नहीं करना है, कुछ भी हो जाए पैसा नहीं देना है। जी, आपके सारे थंबनेल जो होते हैं वीडियो को, उनमें भी यही चीज है, पेमेंट एक पैसा नहीं देना, थंबनेल में सब में ज्यादा तो स्कैम का खोला, पैसा नहीं देना आपको, तो बिल्कुल। और फिर वो लड़की है भैया, मेरी सबसे बड़ी बात है कि वो लड़की है, लड़का होता तो मैं तो खुद बोलता हूँ, आ भाई मेरी नंगी फोटो मैं खुद भेज दूंगा, तो जिसको सही बात है ना, मैं खुद बहुत बेटी हूँ भैया, फोटो चली जाए सही बात है, सही बात है भाई, सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है भाई, सही बात है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन इसमें ये
कि मतलब भैया मैं ये जैसे उन लोगों के पास फाइल या डेटा है, जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड के अलावा उसके पास उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा इससे कोई आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है ना ना, क्या? कोई जैसे कि प्रॉब्लम उनकी नहीं हो प्रॉब्लम सकती हो है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, उनके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है इसलिए, ना ना कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो इस मैं सच बताऊं भैया, मैं किसी न किसी से बात करना चाहता था, सच बिल्कुल बताना, बिल्कुल। मतलब जो एक्सपर्ट है आपको तो बहुत पुराना चैनल है, जो प्रजापति का कुछ नाम है भैया, वो भी वीडियो बनाते हैं, तो उनको भी मैंने कल मैसेज किया भैया, तो उन्होंने देखा था, और एक साइबर हेल्पर करके उनको आपने देखा, आपको बोला व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो मेरे से, देखिए मेरा क्या है उसी ने कि मेरा नंबर दिया, और कोई भी मैसेज करता है तो सबका हम मैसेज देखते हैं, समझ गए हैं। 2022 से लेके 2024 2 साल हो गया, समझ गए हैं, किसी का मैसेज हम इग्नोर नहीं करते, सबका मैसेज हम देखते हैं भाई, रिप्लाई करते हैं, अब बात भी करते हैं, जो लोग बात करना चाहे तो हम बात करते हैं, करेंगे तो शाम को करेंगे, चाहे दिन में कभी भी टाइम मिलेगा हम कर लेंगे। ये चीज़ है। तो भैया जैसे ये भी कोई फोटो है या फिर कुछ भी है, ये मतलब तकरीबन कितने दिनों में बंद कर देते हैं कॉल करना, क्योंकि मैंने एक ट्रू कॉलर पे शायद स्टूडियो में बताना हाँ चाहिए, कि आपने प्रजापति भैया ने बताया दोनों से, शायद आपने भी बताया कि ट्रू कॉलर में एक सेटिंग होती है, हाँ ट्रू सेम कॉलर ट्रू में कॉलर सेटिंग होती वाला है, भी ट्रू आप कॉलर वाला सेटिंग आप कर लीजिए, और मेन सिम है 1 हफ्ते के लिए बंद कर दीजिए, खेला ख़त्म हो जाएगा, स्टोरी लगाकर बंद कर दीजिए, व्हाट्सएप को भी अनइंस्टॉल कर दीजिए 1 सप्ताह के लिए। व्हाट्सएप, मैंने अनइंस्टॉल नहीं, अकाउंट डिलीट करवा दिया भैया, हाँ और सिम को 1 हफ्ता के लिए बंद कर दीजिए, मेन सिम जो है ना उसको 1 हफ्ता के लिए बंद कर दीजिए, काम खत्म। वो एक ही सिम है उसके पास, और पूरा बैंक का जो पूरा प्रॉब्लम है ना हाँ भैया, हाँ तो वो ये तो कीजिए, बिल्कुल देखिए ये सेम कीजिए, ये कीजिए कि जब जब काम पड़ेगा सिम लगा लीजिएगा, जब नहीं काम पड़ेगा सिम निकाल दीजिए, फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, दिन भर फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, रात को ऑन कीजिए। मैंने उसको ऐसा बोल रहा हूँ भैया, कि मतलब ये जो सेटिंग है जो ब्लॉग अगर जो बताएगा भैया नंबर, तो उसमें भी वो कंटिन्यू थी, क्योंकि मैंने उसने बोला कि मैं कुछ दिन तक ये सिम चालू करके रखती थी, मेरे फैमिली में जाएगा तो वो भी फोन करेंगे मेरे को, और ये फोन बंद रहेगा तो वो घबराएंगे, ऐसा था क्या? और एक ही सिम यूज करती है, ना ना ऐसा कोई बात नहीं और भाई, सच दूसरा सिम बताऊं ले लीजिए, दूसरा कोई सिम ले लीजिए आप, दूसरा सिम कोई। जी, तो भैया जैसे ऐप मतलब उस दिन पहले मैंने आप ऐप इन्फो खुलवा ओपन करवा के फोल्डर पूरा जो ये परमिशंस रहती है, कैमरा परमिशन, सॉरी जी, मतलब टोटली परमिशन थी भैया, मैंने सब डिनाइज करा दिया, सब अलाउड है तो सब डिनाइज करा दिया, और ये जो पूरी परमिशन पर, तो उनका कुछ फोन में हैकिंग वैकिंग की प्रॉब्लम तो नहीं होती ना ना भैया, ना अब क्योंकि कोई ऐसे दिक्कत सिम नहीं होगी, आपके पास है? जब एप्लीकेशन मोबाइल में नहीं है तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और मैंने फोन रिफॉर्मेट उसने बोला कि मैं कर देती हूँ, मतलब अच्छी बात है, करना चाहो आप तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, फोन रिफॉर्मेट नहीं कराया तो था यही और कीजिए ना, रिफॉर्मेट यही 1 सप्ताह के लिए कीजिए, जो सिम के लिए बोले ना सिम वाला 1 सप्ताह के लिए कीजिए, ठीक है। हाँ तो कॉल करना बंद कर देगा सब आप पर, धीरे धीरे बंद हो जाएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगी, 1 हफ्ते के लिए कीजिए ना, कैसे ना कैसे। हाँ जी, मैं बोलता हूँ क्या संडे अगर शाम में मार्केट खुल जाएगी तो बोलूंगा दूसरा सिम निकलवा लो, देखिए और कॉल उन्हीं पर करता है जिसका नाम रिस्पेक्टफुली सेव किया है, भाई बहन सिस्टर घरे पर, तो घर वाले आदमी को बता दीजिए, बाकी क्या मतलब है दूसरे से, जी, मैंने उससे उसने वो मैंने दूसरे से मतलब क्या ये मतलब है, दूसरा रखा कोई है, खाने के लिए दे रहा है, वो यदि पैसा देना चाहता है तो वही रिपेमेंट कर दे भाई, क्या दिक्कत है। हाँ पर पेमेंट तो आपने बिल्कुल सही बोला भैया, अब देखिए इतना डर पर कर क्या रहिएगा मैंने तो काम नहीं चलेगा ना भाई। हाँ नहीं डरा, मैं तो भैया सच बता रहा हूँ, मेरे को 2 बार कॉल आया उनका, और उन 2 बार में दोनों बार जैसे आपने वो 5 दिन पहले की वीडियो अपलोड की थी, जो इस पर गाय माता रही थी, मैंने टोटली ऐसे सेम ऐसे यही फॉर्मेट था, और मैंने उसने बोल रहा था उधर से कि ये देखना इसने कॉल करेंगे ना कुछ करेंगे, इतनी जगह मतलब ऑन पे डालेंगे, सोशल मीडिया में डालेंगे, मतलब डाल तू डाल, तेरे पास रिचार्ज ना हो तो इस वाला रिचार्ज मैं करूँगा, तू डाल जितनी जगह डालना है डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद तो उसको कुछ होगा नहीं, और मेन सबसे बड़ी बात मुझे